सब्सक्राइब करें चिको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चिको रेसिपीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं जन्माष्टमी आज ही मना रही हूँ, यानी कि 12 अगस्त को ही मना रही हूँ, और आज के दिन मेरी बेटी का जन्मदिन भी है, तो आज तो डबल डबल खुशियाँ हो गई हैं। और एक और जो मेरी फ्रेंड है, उनके घर जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, राधा रानी और कान्हा जी है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी आज ही है, तो हो गई ना तीन तीन खुशियाँ। तो आज का दिन जो मेरा शेड्यूल रहेगा बिल्कुल इतना बिजी रहेगा। वैसे पिछले दिनों काफ़ी टाइम से रात को तीन तीन बजे सो रहे हैं, चार चार बजे सो रहे हैं, तो उस वजह से जो मेरा गला है वो काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत काम कर रहे हैं। आपको एक अच्छी सी चीज़ इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी, अभी आगे आगे जब आप देखेंगे तो यकीनन आपको लगेगा कि वाकई जो हमने बनाया है आप भी वहाँ पहुँच गए हैं। तो आज का ब्लॉग है वो काफ़ी लंबा होगा, मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो जन्माष्टमी का दिन है वो मेरा कैसे बीतता है। तो आज अभी सुबह का टाइम है तो मैंने मंदिर साफ कर लिया है, अभी ठाकुर जी की पोशाक मुझे बदलनी है, कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाना है, इनको स्नान में नहीं करवाऊंगी, पंचामृत से इनके छींटे मारूंगी, जो मेरे पास छोटा विग्रह है राधा कृष्ण का उनका मैं पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ठाकुर जी के स्नान से। पंचामृत मैंने पहले से बना कर रख लिया है और मेरे पास है दक्षिणावर्ती शंख, तो मैं शंख से स्नान करवाऊंगी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो अब मैंने साफ पानी लिया है, साफ पानी से स्नान करवा दूंगी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो कान्हा जी को मैंने पहना दी लंगोटी, इनका जो पेंट है वो भी कल कर दिया था, हल्की हल्की टचिंग करी थी मैंने, और अब ये पहनेंगे अपनी पोशाक। तो इनको मैं पहना देती हूँ कंगन, क्योंकि इनके कंगन जो मैंने आपको दिखाए थे कि रूपनगर से शगुन मेहरा जी ने भेजे थे, तो मैंने इनके कंगन आज तक कभी नहीं उतारे हैं, तो हो सकता है शायद इन्होंने ये कंगन पहनने थे, तो मैंने इनके जो कंगन थे वो पहले ही उतार कर रख दिए थे, क्योंकि मुझे इनका करना था पेंट। तो अब मैं इनको करूँगी श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार अब इनका हल्का करूँगी, और जब शाम को मैंने आपको बताया था कि 5-6 बजे के करीब दोबारा से इनका श्रृंगार किया जाता है, तो इनका जो हैवी श्रृंगार करूँगी वो मैं करूँगी शाम को। तो अभी हल्का हल्का इनका चंदन से श्रृंगार भी कर देती हूँ, क्योंकि इनका श्रृंगार मैं टूथपिक से ही करती हूँ, और कई बार कमेंट्स भी आता है मैम टूथपिक से मत किया करो, मोर पंख गाती है उससे किया करो, तो देखिए वो होती है मोटी, तो उससे श्रृंगार मेरे से नहीं किया जाता। तो जो टूथपिक है ये बिल्कुल मैं ध्यान से लगाती हूँ, मुझे इनका श्रृंगार चाहिए होता है बारीक, इसलिए मैं इनका श्रृंगार टूथपिक से करती हूँ। तो ये देखिए इनका मैंने हल्का हल्का श्रृंगार कर दिया है, अब थोड़ा सा पीला चंदन और लगा देती हूँ। तो ये देखिए ये हो गए हैं बिल्कुल अच्छे से जन्माष्टमी के लिए तैयार। थोड़ा बहुत श्रृंगार इनका मैं शाम को जरूर करूँगी, और अब पहनाई जाएगी इनको पगड़ी। तो अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस पोशाक में और मेरी मनपसंद पगड़ी में। तो माला इनको मैंने इसलिए नहीं पहनाई, ये वाली भी माला भेजी थी उन्होंने, तो ये माला पहना के देखूंगी अभी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ये शाम को पहना दूंगी, क्योंकि शाम के श्रृंगार के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो बस ये तो हो गए हैं एकदम अच्छे से तैयार, और ये है इनकी बांसुरी, इन्हें विराजमान कर देती हूँ मंदिर में। तो अब मैं स्नान करवा देती हूँ राधा कृष्ण को, इनको भी पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और अभी ने स्नान करवा देती हूँ साफ पानी से। तो ये पोशाक मैं लाई थी राधा रानी और कान्हा जी के लिए, ये देखिए बहुत ही छोटी है, क्योंकि ये जो राधा रानी और कान्हा जी हैं छोटे वाले, ये बहुत ही छोटे हैं। और ये देखिए ये है इनकी चोली, चोली तो इतनी बड़ी होती है कि ये जो राधा रानी हैं और कान्हा जी पूरे ही इसके अंदर आ जाते हैं,
क्योंकि इससे छोटा साइज कोई होता ही नहीं है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं छोटे वाले राधा कृष्ण जी भी। अब इन्हें भी मैं मंदिर में विराजमान कर देती हूँ और अब मैं पोशाक बदलूंगी बड़े वाले कान्हा जी और राधा रानी की। अब राधा रानी और कान्हा जी का जो बड़ा विग्रह है उनके स्नान तो नहीं कराऊंगी पंचामृत से, उनके हल्के से छींटे मार के फिर उनके जो पोशाक है वो मैं बदल दूंगी। तो लीजिए राधा रानी हमारी तैयार हो ही गई है, ये बिल्कुल दुल्हन लग रही है आज तो। वैसे तो हमेशा ही बहुत ही सुंदर लगती हैं लेकिन आज तो इतनी सुंदर लग रही हैं। तो जो पोशाक शगुन मेहरा जी ने भेजी थी ये पोशाक वही है। तो सब ने बोला कि मैम रेड वाली पहनाओ, तो मैंने सोचा चलो रेड वाली पहना दी जाए। तो आप देख ही रहे हैं इनमें बहुत सुंदर लग रही है, बहुत क्या बहुत ही ज़्यादा। और उन्होंने इनका डिज़ाइनर ब्लाउज बनाया था वो मुझे बहुत पसंद आया। थोड़ा सा पीछे से टाइट है, मतलब कि बंद ढंग से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे टक कर दिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने इनको बाजू बंद भी पहना दिया और इनके एक हाथ में मैंने छोटा सा एक कलीरा टाइप कुछ बांध दिया है जिससे ये और भी अच्छी लग रही है। और आज तो इनके बाल भी बड़े स्टाइलिश बने हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। इनके बाल आज हमने बड़े स्टाइल में बनाए हैं, ये देखिए। तो हर बार मैं इनके चंद्रिका पहनाती हूँ, इस बार मैंने इनको मांगटीका पहनाया, मैं लेकर आई थी। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है, आप इनको देख ही रहे हैं कि बस दिल करता है देखते ही रहो। तो राधा रानी का श्रृंगार मैंने कर ही दिया, आपने देखा है कि वो कितनी सुंदर लग रही है। और अब मैं कर देती हूँ कान्हा जी का श्रृंगार। तो कान्हा जी का भी श्रृंगार तो हो ही गया है, बाकी रहती है अब इनकी पगड़ी बनानी। अब देखते हैं पगड़ी में कितना टाइम लगता है, लेकिन इनका श्रृंगार करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि हम जो घर में होते हैं सभी मिलकर इनकी जो श्रृंगार है कर लेते हैं। तो चलिए पगड़ी देखते हैं। तो कान्हा जी भी अब हो गए हैं तैयार। तो ये तो आज ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आज ये दूल्हा बनेंगे, इतने सुंदर लग रहे हैं कि बस इनके चेहरे से नज़र नहीं हट रही। तो आज तैयार किया है मैंने इन्हें। तो पूछती हूँ, हाँ भाई रिया तूने तैयार करवाया, कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आज सच्ची में बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो जी सब दोबारा से बताओ ये कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज इतने सुंदर लग रहे हैं कि दिल कर रहा है इन्हें देखते रहूं, देखते रहूं, देखते रहूं। तो सब इनको देखकर सबकी आंखों में आ गया है पानी क्योंकि ये इतने सुंदर लग रहे हैं। और अब ये इनके बाल देखिए। और मेरी राधा रानी वो कैसी लगी? राधा रानी तो हमेशा ही सुंदर होती है। और मैं इनके नए बाल लेकर आई थी, राधा रानी के भी और कान्हा जी के भी। तो राधा रानी के बाल मैंने आपको दिखाए थे वो कितने सुंदर लगे हैं, उन्होंने हमने उन्हें पिन से थोड़ा अच्छे से और भी बना दिया था। और ये इनके भी करली बाल हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो पगड़ी इनकी बहुत ही सुंदर बनी है, जैसा मैंने आपको भी बताया ही था, सिर्फ पगड़ी का कपड़ा था। तो मोर पंख तो घर में होता ही है, ये अटैचमेंट भी मैं लेकर आई थी। और ये लेस है ये घर पर पड़ी थी, और जो इसके लेस के नीचे लटकन सी लगी हुई है ये घर पर ही बनाई थी। और ये हमने गोंद से चिपका दी, बाद में ये उतर भी जाएगी। तो ये पगड़ी बन गई बहुत ही सुंदर, जो घर में सामान पड़ा था उसी से। तो शगुन मेहरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी इतनी सुंदर ड्रेस बनाकर भेजी। और आपने जो मैंने बोला था कि पगड़ी के लिए कपड़ा देना वो भी बहुत ही अच्छा था और अच्छा खासा लंबा कपड़ा था। तो जो पगड़ी है वो भी बहुत ही अच्छी बनी है। तो बस कान्हा जी हो गए हैं तैयार, अब ये भी विराजमान होते हैं मंदिर में। फिर मैं करूँगी आरती, भोग लगेगा, फिर मैं इसके बाद बनाऊँगी रंगोली या फूलों।
अब मैं करती हूँ आरती। आरती आप कोई भी गा सकते हैं, आरती कुंज बिहारी की, ओम जय जगदीश हरे, या आप आरती ये भी गा सकते हैं कि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कोई भी आरती आप गा लें। अगर आपको आरती सुननी है तो मेरा किशोरी कृपा नाम से चैनल है, आप उस चैनल पर जाकर आरती भी सुन सकते हैं, जिसमें मैंने दोनों आरती गाई है, आरती कुंज बिहारी की और बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा यही गा लेती हूँ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तो आरती भी कर दी है, अब इनके लगाया जाएगा भोग। भोग लगाने के बाद थोड़ा बहुत जो किचन का काम होगा वो किया जाएगा। तो मिल्क केक वगैरह मैंने बना ही लिया, क्योंकि उसको 7 से 8 घंटे रखना होता है, तो एक दिन पहले मैंने बना लिया। और नारियल की बर्फी वगैरह जो भी सामान था इनके भोग के लिए वो मैंने सूप पहले दिन ही बना लिया। तो अब बस इनके भोग लगेगा, फिर तैयारी की जाएगी इनके आगे जो रंगोली बनेगी, फूलों की रंगोली, जो भी सजावट करनी होगी उसकी तैयारी की जाएगी। तो अब लगा रही हूँ राधा रानी को, कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग, क्योंकि आज व्रत है, आज तो फ्रूट का भोग ही लगेगा इन्हें। तो आओ ठाकुर जी लगा लो भोग। तो ठाकुर जी का श्रृंगार भोग ये काम तो गया हो, अब चलते हैं किचन में, नीचे देखते हैं वहाँ क्या काम करना है, कौन कौन घर में आया हुआ है, क्योंकि आज तो मेरे घर में ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में ही कान्हा जी, वैसे तो मेरे घर में सच में ही है, लेकिन आज जो उत्सव लग रहा है ना वो सच में ही लग रहा है कि आज मेरे घर में उत्सव है, क्योंकि सब लोग आए हुए हैं। चलो सबको दिखाती हूँ कि कौन कौन है। तो सबसे पहले तो आप इन दो मेहमानों से मिलिए, ये नए आए हैं, ये है एल्विन और ये है ऑस्कर। तो अभी तो इतनी इंट्रोडक्शन ही होगी, बाद में डिटेल में आपको बताऊँगी कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। अभी एल्विन ने कान पकड़ लिया उसका, चूचू करने लगे उसको, चूचू करके उसने छोड़ा, गुस्से में आया उसने यहाँ से पकड़ लिया एल्विन का। तो आपने देखा ही था कि ड्राइंग रूम में कितना उत्सव ही है, सभी बच्चे बैठ के बातें कर रहे हैं, और जो दो नन्हे मेहमान हैं उनसे भी मैंने आपको मिलाया। और अब आ गई मैं किचन में, तो किचन भी देख रहे हो फैली है, क्योंकि में उत्सव का माहौल है तो ये सब तो रहेगा ही रहेगा। तो जो भोग मैंने इनके लिए बनाया वो दिखा देती हूँ आपको। तो ये है भोग का सामान, ये सारा मैंने घर में बनाया है। ये है पंचमेवा पाक, ये नारियल के लड्डू, ये है मिल्क केक, ये कलाकंद भी बोला जाता है, कुछ मिल्क केक बोलते हैं कुछ कलाकंद बोलते हैं, और ये है धनिये का प्रसाद। तो ये तो हो गया भोग का सामान, ये मैंने पहले ही बना के रख लिया था वैसे। तो अब मैं इनके लिए बनाऊंगी पंचामृत बना के रखूंगी, क्योंकि जब रात को इनको स्नान करवाया जाएगा तो तब मुझे चाहिए होगा वो। मैंने पंचामृत बनाया, जो पंचामृत होता है ये 5 चीज़ों से बनाते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं पंचामृत और चरणामृत में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो पंचामृत कैसे बनाया जाता है, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और थोड़ा 1-2 बूंद देसी घी की। मीठे के लिए इसके अंदर डाली जाती है पिसी हुई चीनी, बताशे भी डाल सकते हैं। और ये चरणामृत कैसे बन जाता है, जब ठाकुर जी को इससे स्नान करवा देते हैं तो ये चरणामृत बन जाता है, वैसे ही पंचामृत होता है। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया उनके लिए, माखन मिश्री का भोग तो बहुत ज़रूरी है, और माखन मिश्री भी मैंने माखन भी निकाल लिया था थोड़ा सा, आपको मैंने बताया था, मैं झटपट से निकाल लेती हूँ 1-2 दिन की मलाई का ही। तो बस माखन मिश्री और ड्राई फ्रूट और ये हो गया पंचामृत। तो ये तैयारी भी अब हो गई है, इन्हें भी अब मैं रखूँगी एक तरफ, पंचामृत को रखूँगी फ्रिज में क्योंकि रात को 12 बजे मुझे चाहिए होगा, और जो माखन है ये भी फ्रिज में ही जाएगा, बाहर रखेंगे तो पिघल जाएगा। तो किचन का भी सारा काम हो गया, और घर में जो उत्सव का माहौल था वो भी मैंने आपको दिखा ही दिया, काफ़ी चहल पहल हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है आज के दिन मेरे को।
और अब मैं आई हूँ दोबारा ऊपर मंदिर में, अब रंगोली बनेगी, ठाकुर जी का भी सोच रही हूँ दोबारा श्रृंगार कर दूँ, क्योंकि सुबह तो जल्दी जल्दी में किया था और दोबारा श्रृंगार करना तो बनता ही है, मैंने आपको बताया ही था, तो मेरे पास इतना अभी टाइम भी नहीं है। तो श्रृंगार तो करेगी मेरी भतीजी जो ठाकुर जी का, वो भी बहुत अच्छा श्रृंगार करती है क्योंकि उसके पास भी लड्डू गोपाल जी हैं और काफ़ी अच्छा श्रृंगार करती है, तो श्रृंगार तो वो कर देंगी और मैं बना लूँगी रंगोली, और जो मुझे झूला सजाना है, जो भी मुझे सजावट करनी है मैं वो कर लूँगी। तो काम बट गया दो हिस्सों में और जल्दी भी हो गया। ले रिया इनका कर दे श्रृंगार अब, ये मेरे को दे और मैं बना लूँ रंगोली, ठीक है।
तो मैं तो अपने कान्हा जी के लिए हो गई तैयार। मैंने गोपी ड्रेस पहन ली, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही था कि मैं अपने लिए नई ड्रेस कोई नहीं लेकर आई हूँ, जो पुरानी है उन्हीं में से डालूंगी, लेकिन जो भाव है वो मेरे नए हैं, क्योंकि हर जन्माष्टमी पे कुछ नया नया घर में काम भी होता है, जो झांकियाँ होती हैं वो भी अलग अलग लगाई जाती है, तो जो भाव है वो भी अलग अलग होते हैं। हाँ, उत्साह हर जन्माष्टमी में ज़्यादा ही होता है, तो सारी तैयारी मैंने करी ली, जैसा कि मैंने आपको बताया ही रात के 12 बजने वाले हैं, बज ही चुके हैं 12। मैं स्नान कर चुकी हूँ, कोई 2 या 3 मिनट बाकी है 12 बजने में, तो मैं स्नान कर चुकी हूँ। अब मैं गोपाल जी को स्नान तो नहीं करवाऊँगी, क्योंकि उनका श्रृंगार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान कराऊंगी मैं शालिग्राम जी को, और उसके बाद उनका हो जाएगा जन्म। 12 बज गए, 12 बज गए, चलो जी 12 बज गए हैं, तो 12 बज चुके हैं। मैंने जो शालिग्राम जी हैं इनको सुला दिया था फूलों के अंदर, अब मैंने इनका करवा देती हूँ जन्म। तो पहले ये खीरा है, खीरे को मैं काट दूँगी 1 रुपये के सिक्के से। मुझे वो खीरा नहीं मिला जिसके अंदर जो नाल सी होती है, तो अब जन्म करवा देती हूँ कन्हैया जी का। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो शालिग्राम जी को मैंने स्नान करवाया है, इनके तिलक लगा देती हूँ, क्योंकि गोपाल जी का श्रृंगार बहुत सुंदर हुआ हुआ है। उनको मैंने स्नान नहीं करवाया, हर साल मैं शालिग्राम जी को ही स्नान करवाती हूँ। इनके लगा दूंगी चंदन का टीका, ये गोपी चंदन है, बचा हुआ लगा लूँगी मैं। शालिग्राम जी को मैंने विराजमान कर दिया है उनके आसन पर, और ये इनको मैं विराजमान कर दूंगी मंदिर में। और गोपाल जी को मैंने झूले पर बिठा ही दिया है, तो थोड़ा सा इनका जो जन्म का भजन है वो गा लेते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे ब्रज आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। तो मैं भी झूला झूला देती हूँ थोड़ा सा कान्हा जी को, क्योंकि इनका जन्म हुआ है। तो कान्हा जी का जन्म भी हो गया, तो क्यों ना मथुरा चला जाए। चलिए आपको मथुरा लेकर चलती हूँ। वृंदावन, लेकिन वृंदावन अभी नहीं जाएंगे, अभी तो हम चल रहे हैं मथुरा, वृंदावन बाद में जाएंगे।
मथुरा जाकर आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा मथुरा जाकर। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि आपको मथुरा में जाकर कैसा लगा और ये जो मॉडल हमने बनाया है कैसे बनाया, इसकी झलकियां भी आपको देखने को मिलेगी कि हमने कितनी मेहनत की है रात रात भर जाके। लेकिन ये ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो छठी बाकी है। छठी पर हम वृंदावन भी जाएंगे और हो सकता है राधाष्टमी पर हम बरसाना भी चले जाएं। और इस मॉडल को बनाने में हमें बहुत टाइम लगा है और लगेगा, अभी मथुरा तक ही गए हैं हम, आगे वृंदावन भी जाएंगे, हो सकता है बरसाना भी चले जाएं। तो समझो ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको छठी पर भी मिलेगा। तो ठाकुर जी का जन्म करवा दिया, अब मैं इनकी कर रही हूँ आरती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो मैं लगा देती हूँ ठाकुर जी के भोग, जो मिठाई मैंने बनाई थी, ड्राई फ्रूट्स भी हैं और माखन मिश्री, कुट्टू की पूरी और आलू की सब्जी। ये है गोपाल जी का भोग, कुट्टू की पूरी, आलू की सब्जी, धनिया प्रसाद, माखन मिश्री। आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। तो लग गया भोग ठाकुर जी को, अब ये प्रसाद सबको बांटा जाएगा और मैं खुद भी अब खाऊंगी खाना, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो रात के 12 बज चुके हैं, ठाकुर जी का यानी कि गोपाल जी का जन्म भी करवा चुकी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि आप कैप पर जाकर मुझे फॉलो करें, चिको रेसिपीज को फॉलो करें, तो आपको चैलेंज मिलेगा और आपको जो लड्डू गोपाल जी हैं वो मिलेंगे, लकी ड्रा निकाला जाएगा जन्माष्टमी के दिन। तो आज जन्माष्टमी है, तो आप देख ही रहे हैं कि जो मैंने बोला था कि 10 लड्डू गोपाल जी आपको मिलेंगे, तो 10 लड्डू गोपाल जी मैंने बिठाए हुए हैं और अब मैं निकालूंगी इनकी पर्चियाँ। जिन जिन ने मुझे फॉलो किया है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम हम फोटो नहीं भेज पाए या जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं हो पाई है, तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। तो जिन जिन ने मुझे फॉलो किया है उन सब के नाम मैंने इस पर्ची में लिखे हैं और डाले हुए हैं, ये पूरी 1000 के करीब पर्ची है। तो कोई टेंशन नहीं कि आपने मुझे फ़ोटो भेजी है या नहीं भेजी, तो इनमें से सिर्फ 10 पर्चियाँ ही निकलेगी और जिनके नहीं भी नाम आएंगे तो उनको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट बार आपका नाम आ जाए। ऐसे चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे और आपको गिफ्ट्स मिलते ही रहेंगे, यानी कि जो लक्की ड्रा है वो निकलते ही रहेंगे। तो अगर ये ऐप डाउनलोड नहीं भी हुई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती है क्योंकि नई नई ऐप है, तो बच्चे इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो जल्दी ही इस ऐप का अपडेट आएगा, तो आप भी इस ऐप को अपडेट कर लें और अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लें। हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल भी ना भूलें कि जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे आगे भी इसको शेयर करें और अपने परिवार में भी सबको बोलें और दोस्तों में बोलें, रिश्तेदारों में बोलें कि जो ऐप है वो ज़रूर डाउनलोड करें और जो हमारा जो लक्की ड्रा होगा उसका हिस्सा वो जरूर बने। तो चलिए निकालते हैं लक्की ड्रा, यानी कि पर्चियां निकालते हैं। और पर्चियां निकालने से पहले ठाकुर जी का नाम ले लिया जाए, तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो सबसे पहले मैं सारी पर्चियों को मिलाऊंगी। तो पहला नाम है सुनीता रस्तोगी, फिर इसको थोड़ा सा और शेक कर लेते हैं। फिर दूसरा नाम है ध्रुव देसाई, फिर तीसरा नाम है
पारुल नरवाल, फिर चौथा नाम है मोमिता रे, फिर पांचवा नाम है हेमा यादव, फिर छठा नाम है मधुमिता घोष, सातवां नाम है संकेत घेवरे, आठवां नाम है मुस्कान, और ये नौवां नाम है देवाशीष मोहंती। और ये लास्ट नाम है और दसवां नाम है यश पाटिल। तो जी ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि ठाकुर जी आपके घर आएंगे, क्योंकि 10 के 10 नाम मैंने निकाल लिए हैं। तो आप सबके नाम तो निकल ही गए, गोपाल जी भी अब आपके घर पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कैसे, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको पकैप पर ही जाकर आपको अपना नाम, अपना एड्रेस पिन कोड के साथ आपको भेजना होगा, ताकि ठाकुर जी आपके घर पहुंच सके। और अगर पकैप पर नहीं जा पा रहा है तो आप इंस्टाग्राम पर भी अपना एड्रेस पिन कोड के साथ और अपना नाम जरूर लिखकर भेजें, तो ठाकुर जी आपके घर पहुंच जाएंगे। तो पहले मैंने सोचा था कि ठाकुर जी का श्रृंगार करके आप लोगों को दूंगी, लेकिन जैसे ही ये घर आए मैंने देखा इनकी आंखें बहुत ही सुंदर हैं, और इन सभी गोपाल जी की, ये 10 गोपाल जी मैंने मंगवाए थे, तो 10 के 10 गोपाल जी की जो चेहरा है बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा है। ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर 10 मंगवाओ तो सबके चेहरे नैन नक्श एक जैसे हों, लेकिन इन सब के नैन नक्श बिल्कुल एक जैसे हैं, कहीं भी कोई फ़र्क नहीं है। तो इनकी जो आँखें हैं वो बहुत सुंदर हैं, तो मैं इनकी आँखों को नहीं छेड़ूंगी। हाँ, हल्का फुल्का श्रृंगार, जैसे इनकी आईब्रो हो गई, जो श्रृंगार इनका और होता है वो थोड़ा बहुत करके मैं ज़रूर भेजूँगी। तो लक्की ड्रा तो निकल गया, तो आपको सबको मैंने बधाई भी दे दी, लेकिन आगे भी ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपको मिलते ही रहेंगे। तो पकैप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिन्होंने इसको डाउनलोड नहीं किया है अभी भी, और अपने आगे भी करवाते रहें, जैसा मैंने अभी बताया है कि आगे से आगे डाउनलोड करवाते रहें। क्या पता आगे कौन सा चैलेंज आपको मिल जाए, क्या पता आपके घर क्या अच्छा सा गिफ्ट आ जाए, तो ये तो ठाकुर जी की इच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है जरूर पसंद आई होगी। जन्माष्टमी का व्लॉग भी हो गया और ठाकुर जी भी आपके घर आ गए, तो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।